तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। Hey, what's up family? कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बिंदास हूँ, यानी बहुत अच्छा हूँ। आप सब कैसे हैं अभी इसी वक्त? आपका भाई का चैनल बॉलीवुड नशा पे आके कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गाइस अभी इसी वक्त आपका भाई का चैनल बॉलीवुड नशा पे आके वीडियो देख रहे हैं। और गाइस मैं अभी आप लोगों के साथ हूँ, आपका भाई सनी। तो चलिए गाइस पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि गाइस अभी इसी वक्त आप सबको दिखाने वाला हूँ फेमस टिकटॉक स्टार एंड सोशल मीडिया स्टार मुस्कान शर्मा के कुछ स्पेशल वीडियो, क्योंकि गाइस मुस्कान शर्मा कुछ स्पेशल काम के लिए अभी बेंगलोर गए हुए हैं। शायद मुस्कान शर्मा की बहुत जल्द और एक न्यू रोमांटिक म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं। और गाइस मैं अभी आप सबको दिखाने वाला हूँ मुस्कान शर्मा की कुछ स्पेशल डांस रोमांटिक एंड शायरी स्पेशल रील्स वीडियो, जो कि ऑलरेडी मुस्कान शर्मा के ऑल फैंस के बीच बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुके हैं। तो गाइस देर किस बात की, आइए हम भी देख लेते हैं फुल वीडियो। रात को भी दाल चावल, सुबह भी दाल चावल, क्योंकि मुझे दाल चावल बहुत पसंद है और मैं इसके अलावा कुछ खाती ही नहीं हूँ। कहीं बाहर आती हूँ तो एकदम घर जैसा फील है, टेस्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। मेरा फ़ोन सुबह से चालू नहीं हो रहा है, मैं आरुष का फ़ोन यूज़ करी क्योंकि उसके फ़ोन में मेरा आईडी चालू है। ये देखो ऐसा लोडिंग लोडिंग बता रहा है, तो दो सेकेंड के लिए चालू होके फिर से आएगा, चालू होगा। आई थिंक तेरा फोन चाहता है कि 14 बट इसमें सब कुछ है ना, वो भी है चालू। सबको पता है मैं बैंगलोर आई हूँ और अभी मैं रिटर्न मुंबई जा रही हूँ, अकेली आई थी तो अभी रिटर्न मुंबई जा रही हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा था अकेले। तो मैं एक मॉल में आई थी और नीचे ही राइट साइड पे H&M था, तो मैंने चलो बाजू में ही H&M से ही कर लेती हूँ, ऊपर कहाँ जाऊँ दूसरा ब्रांड ढूंढूँ। तो मैंने फटाफट आधे घंटे में फटाफट शॉपिंग कर लिया और मैंने अराउंड 18,000 का शॉपिंग किया आधे घंटे में। तो शॉपिंग करने के बाद मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो जो काउंटर पे थे कैश काउंटर पे, मैंने उनको बोला कि कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़। पहले तो वो बोले हाँ, फिर बोले नहीं एक्चुअली अगर आपको पानी चाहिए ना तो आपके पास खुद का वाटर तो ही आपको दे सकता। और वो इतना बिजी था बिलिंग करने में, क्योंकि सबका इंसेंटिव्स होता है, सब कुछ होता है, तो वो उसको कस्टमर का फिक्र ही नहीं, शॉपिंग कर लिया अब हो गया बस चलो ठीक है खत्म, वैसा वाला था। तो मतलब अगर हम कोई लोकल शॉप पे भी जाते हैं वो लोग चाय क्या, वो लोग पानी भी पूछते हैं, तो उनको लिटरली हैट्स ऑफ है जहाँ हम लोकल शॉपिंग करते हैं। और यहाँ इतना बड़ा ब्रांड होके इनको कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं, और जहाँ हम 100, 150, 200, 300 का शॉपिंग करते हैं वो लोग इतना वैल्यू करते हैं। तो टोटली डिसअपॉइंटेड विद H&M, आई एम नेवर शॉपिंग विद H&M अगेन। हम सफर खूबसूरत नहीं, कदर करने वाला होना चाहिए।